हेलो एवरीवन, सो वी विल बी टुडे टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट टीचिंग क्या होगी एंड इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होगी. सो डायरेक्ट टीचिंग होती है जब टीचर डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाए. दैट मीन्स आपको जो भी नॉलेज मिल रही है वो डायरेक्ट टीचर के थ्रू मिल रही है. तो यहाँ डायरेक्ट टीचिंग हो रही है, स्टूडेंट्स को टीचर ने डायरेक्टली पढ़ा दिया. बट इन केस मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दे दूं, उन एक्टिविटीज को करके आप सीखो, तो ये इनडायरेक्ट टीचिंग है. मतलब मैंने डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ाया, बट मैंने आपको कुछ टॉपिक दे दिया, कुछ मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कुछ प्रोजेक्ट दे दिया. उन प्रोजेक्ट्स को करके, उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करके आप खुद से सीख रहे हो, तो ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट टीचिंग है. तो व्हाट इज अ डायरेक्ट टीचिंग? डायरेक्ट टीचिंग होती है जहां पे टीचर ने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पढ़ा दिया, टीचर से स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल रही है. दिस इज डायरेक्ट टीचिंग. इनडायरेक्ट टीचिंग विल बी जहां पे टीचर ने बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ एक्टिविटी, कुछ असाइनमेंट्स देके पढ़ाया, तो बच्चों ने खुद से सीखा, डायरेक्टली टीचर से नहीं सीखा, बट उन्होंने किसी चीज के थ्रू सीखा, लाइक प्रोजेक्ट्स एंड द असाइनमेंट्स. सो दिस विल बी टेकन एज योर इनडायरेक्ट टीचिंग. सो आई होप अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग का, इट विल बी क्लियर एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन टू एनी वन इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड येस, डोंट फॉरगेट कि आप इस वीडियो को लाइक करो एंड ऑल्सो डू राइट इन द कॉमेंट कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.